हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे केस स्टडी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। जैसे कि आप सभी जानते हो कि सीबीएसई ने सेशन 2020 से 21 में क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में कुछ चेंजेस किए हैं, और इनमें जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि इस बार जो आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन आपके केस स्टडी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक ये चारों क्वेश्चन आपके केस स्टडी के ही होंगे, यानी कि आपको हर क्वेश्चन में एक केस यानी कि एक सिचुएशन दी गई होगी और उस सिचुएशन से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। और ये सभी क्वेश्चंस होंगे MCQ, यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 4-4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे और उन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन उसका सही आंसर भी होगा। मीन्स आपको इन क्वेश्चंस का पूरा सोल्यूशन अपनी आंसर शीट में करके नहीं दिखाना है, आप उसको सिर्फ रफ में सोल्व करोगे और उसके बाद उन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन उसका सही आंसर होगा केवल उसे ही आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेस्ड है सन रूम के ऊपर, यानी कि जो आपको यहाँ पर केस दिया गया है, जो सिचुएशन दी गई है वो है सन रूम की। सन रूम यानी कि एक ऐसा रूम, एक ऐसा कमरा जिसकी दीवारों में ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ बनाई जाती हैं, या फिर उसकी जो दीवारें हैं वो ग्लास यानी कि शीशे से बनाई जाती हैं ताकि उस रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी और धूप आ सके। तो यहाँ पर आपको कहा गया है, द डायग्राम्स शो द प्लान फॉर अ सन रूम। इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस। द फोर वॉल्स ऑफ द सन रूम आर स्क्वेयर क्लियर ग्लास पैनल्स। आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है वो सन रूम का है, और इसमें हमें कहा गया है कि उसकी जो 4 दीवारें होंगी वो ग्लास पैनल से बनाई गई होंगी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक ये उसकी दीवार है जो कि स्क्वायर की शेप में है, उसके बाद दूसरी ये उसकी दीवार होगी और ये भी स्क्वायर की शेप में है, इसी तरह से ये जो दीवार होगी ये भी स्क्वायर की ही शेप में होगी, और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर इस साइड में इसकी दीवार है ये भी स्क्वायर की शेप में है, और ये चारों दीवारें ग्लास पैनल से यानी कि शीशे से बनाई गई हैं। द रूफ इज मेड यूजिंग, और उसकी जो छत है उसके अंदर बनाया गया है 4 क्लियर ग्लास पैनल्स ट्रैपिजियम इन शेप। उसकी छत के अंदर 4 ग्लास पैनल लगे हैं ट्रैपिजियम की शेप के। आप यहां पर देख सकते हो कि एक ये है, दूसरा ये, फिर तीसरा ग्लास यहां पर लगाया गया है और चौथा ग्लास इस तरह से यहां पर, और ये सभी जो है वो ट्रैपिजियम की शेप में है, और इसी के साथ साथ इसमें 1 टिंटेड ग्लास पैनल हाफ अ रेगुलर ऑक्टागोन इन शेप। टिंटेड ग्लास पैनल यानी कि एक ऐसा ग्लास, एक ऐसा शीशा जिसके ऊपर एक पन्नी की या फिर आप कह सकते हो कि फिल्म की एक परत चढ़ाई जाती है ब्लैक या फिर किसी भी और कलर की, और इसकी जो शेप है वो है हाफ ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन यानी कि एक ऐसा पॉलीगोन जिसकी 8 साइड्स होती हैं, बट उसका हाफ यहाँ पर बनाया गया है, इस तरह से आप उसको देख सकते हो। ये हाफ ऑक्टागोन की शेप में उसकी छत में एक ग्लास पैनल लगाया गया है, और उसी सन रूम का जो टॉप व्यू है वो हमें यहाँ पर दिया गया है और जो उसका फ्रंट व्यू है वो यहाँ पर हमें दिया गया है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि रेफर टू टॉप व्यू, यानी कि जो ये इसका टॉप व्यू है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को नाम दिए गए हैं, जैसे ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच आई एंड जे। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स जे एंड आई। तो 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो देखिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पर उनका जो मिड पॉइंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा कि एक तो जो लॉन्ग मेथड होता है रेगुलर जो आप यूज करते हो, एक तो वो मेथड, और साथ में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कम टाइम में किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले करते हैं इसका लॉन्ग मेथड, जैसे रेगुलरली आप करते भी हो, कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं जे एंड आई
और हमें फाइंड आउट करना है इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। एक्स वन प्लस एक्स टू मीन्स सिक्स प्लस नाइन एंड डिवाइड बाई टू। उसके बाद वाई वन प्लस वाई टू मीन्स सेवनटीन प्लस सिक्सटीन डिवाइड बाई टू। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 6 प्लस नाइन इज 15 एंड 15 बाय 2 ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देन 17 प्लस 16 इज 33 एंड देन 33 बाय 2 तो ये इसके मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसके चार ऑप्शन दिए गए थे उन चारों में से जो ऑप्शन नंबर 3 है वही हमारा इसका सही आंसर होगा, दैट इज 15 बाय 2 एंड 33 बाय 2। बट अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से पूरा कंप्लीट लिख कर रफ में सोल्व करते भी हो तो आपके आराम से एक या दो मिनट इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लग जाएंगे। बट जल्दी से जल्दी यानी कि बहुत ही कम टाइम में अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर है, देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आपको किसी भी दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो हमें वहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। मीन्स हम उन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टू से। तो अगर आप यहाँ पर सिक्स और नाइन को ऐड करते हो, आपको यहाँ पर रफ में कोई भी काम नहीं करना है, जस्ट आपको केवल इसको क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन को देखना है कि जो दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उन दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं वो हैं सिक्स एंड नाइन। तो जल्दी से आप इनको ऐड करिए, सिक्स प्लस नाइन आपको पता है कि इनका सम हो जाएगा 15 एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें उन दोनों के सम को 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो 6 और 9 का जो सम होगा वो होगा 15 और जब आप उसको 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15 बाय 2। तो बस आपको केवल यही पर देखना है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 15 बाय 2 है। तो आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर 3 है उसी का एक्स कोऑर्डिनेट 15 बाय 2 है, मीन्स यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट फॉर्मूला भी अप्लाई करने की नीड नहीं होगी। बट मानकर चलिए कि अगर कोई दो ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हों जिनके एक्स कोऑर्डिनेट में आपको 15 बाय 2 दिया गया हो, तो फिर ये कन्फर्म करने के लिए कि उन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जैसे कि पहले हमने ऐड किया है 6 एंड 9, तो हमने इनको अपने माइंड में ही ऐड कर लिया है कि 6 प्लस 9 इज 15 एंड 15 बाय 2 ये हो जाएगा। फिर हम इनके y कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड कर लेंगे इसी तरह से कि 16 एंड 17 इन दोनों का सम 33 और 33 के डिवाइड में 2। तो इस तरह से आपको अब देख लेना होगा कि उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 15 बाय 2 कोमा 33 बाय 2 लिखा है। तो जल्दी से फिर आप ये बता सकते हो कि इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ही इसका सही आंसर है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि रेफर टू टॉप व्यू, यानी कि टॉप व्यू को देखते हुए हमें ये बताना है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, कि जो पॉइंट पी है उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो अब हमें ये बताना है कि जो पॉइंट पी हमारे पास है इस पॉइंट पी की ओरिजिन से कितनी, इस पॉइंट पी की वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। तो ये है वाई एक्सिस और हमें देखना है कि कितनी डिस्टेंस यहाँ पर पी और वाई एक्सिस के बीच में है। तो आप यहाँ पर जल्दी से काउंट कर सकते हो इसको डायग्राम में देखते हुए, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से आपको सिर्फ बॉक्सेस को ही काउंट करना है। तो ये जो पॉइंट पी यहाँ पर आपको इस लाइन पर दिया गया है तो इस पॉइंट की और वाई एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 4 यूनिट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद रेफर टू फ्रंट व्यू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एस। तो जैसे कि आपको पता है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए एंड देन हम वहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं कि एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर एंड देन उसका स्क्वायर रूट।
तो यानी कि हमें यहाँ पर जो फ्रंट व्यू दिया गया है वहाँ से ए और एस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है एंड देन हम उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो फ्रंट व्यू का डायग्राम आपको दिया गया है, तो यहाँ पर जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये है आपका पॉइंट ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसके सामने जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या नंबर है। तो नंबर्स तो यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं, आप यहाँ पर सिर्फ उन लाइंस को ही या फिर उन बॉक्सेस को ही काउंट कर सकते हो। तो अगर ये जो पॉइंट, अगर ये जीरो है तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा वन। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट ए है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वन। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम वाई एक्सिस पर जो लाइंस हैं उनको काउंट करेंगे। तो जैसे ये है जीरो, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, यानी कि ए पॉइंट के सामने वाई एक्सिस पर जो नंबर है वो होगा एट। तो इस तरह से हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया है और ये है 1.8। एंड देन इसके बाद हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एस पॉइंट के सामने यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या नंबर है। तो जैसे ये है आपका ज़ीरो, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन, यानी कि जो पॉइंट एस है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 17। अब इसी का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें वाई एक्सिस पर नंबर्स को काउंट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है ज़ीरो, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, यानी कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा एट। तो यानी कि अभी हमने ए एंड एस इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1.8 और पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स हैं 17.8, और अब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। तो यहाँ पर इसके सी क्वेश्चन के लिए, तो जैसे कि पॉइंट ए हमारा है 1.8 एंड एस हमारा है 17.8, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो इसके बाद जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को, तो 17 - 1 इसका स्क्वायर एंड देन 8 - 8 इसका भी स्क्वायर। 17 - 1 इज 16 एंड 8 - 8 इज 0। तो जब हम 16 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 256 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। देन हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 256 और जब इसका स्क्वायर रूट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 16। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए एंड एस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 यूनिट्स। बट ये जो मेथड है ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है, यानी कि आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी टाइम हमें लग गया है उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर शॉर्ट ट्रिक से हम इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहें पॉइंट ए एंड एस, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो ए और एस है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही दोनों पॉइंट्स आए हैं ए और एस, यानी कि इन दोनों ही पॉइंट में, पॉइंट ए में भी और पॉइंट एस में भी, जो इनका वाई कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल सेम होगा, वो इक्वल होगा। तो पॉइंट ए के लिए भी वाई कोऑर्डिनेट 8 ही है और एस के लिए भी वाई कोऑर्डिनेट 8 ही है। मीन्स हमें अब यहाँ पर केवल इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है उन्हीं के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर लेना होगा। तो जैसे कि अभी हमने इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया था और हमने ये देखा कि जो पॉइंट ए है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1, और जब एस के एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया था तो जब हमने काउंट किया था उसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया था 1.8 और एस के लिए फाइंड आउट किया था 17.8। तो यहाँ पर अगर दोनों के ही वाई कोऑर्डिनेट सेम हैं तो आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप सिर्फ देखिए उनके एक्स कोऑर्डिनेट को, यहाँ पर है 17 और यहाँ पर है 1, तो आपको केवल 17 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका
आंसर आ जाएगा 16, और इसमें आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि 16, वही इसका सही आंसर है। इसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशो 1:3 इंटरनली। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ए एंड बी पॉइंट को जॉइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट ने 1:3 में डिवाइड कर दिया। तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से इन चारों में से कौन सा पॉइंट होगा जो इसमें सही आंसर होगा। तो अब उसके लिए हमें यहाँ पर पहले ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना होगा। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अभी हमने फाइंड आउट किया था और वो हमारे पास आया था 1.8। एंड तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर हम यहाँ पर काउंट करें इसके एक्स की वैल्यू को तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 5 है, और इसके वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 10। और यहाँ पर भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। देखिए, जब हमने बी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया तो आपको शुरू से काउंटिंग स्टार्ट करने की नीड नहीं होगी। आप ये देख सकते हो कि जब आपने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया था तो वो आया था 1.8। तो उसके बाद आपको 8 से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 8, 9, 10, यानी कि जो पॉइंट बी है उसका वाई कोऑर्डिनेट 10 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपना एक एक सेकेंड क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए सेव कर सकते हो। तो यानी कि जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5.8, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो है 8, 9 और 10। तो 5.10 ये इसका जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1.8 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 5.10, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको 1:3 में किस पॉइंट ने डिवाइड किया है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1.8 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5.10। तो अब पॉइंट टी को हम लेट कर सकते हैं जिसने ए बी को 1:3 में डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1, यहाँ पर हमने लिख दिया है 3। 1 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स के साथ एंड 3 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई इस 5 से, देन 3 की मल्टीप्लाई इस 1 से, और इसके डिवाइड में यानी कि इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1+3। सेम इसी तरह से 1 की मल्टीप्लाई 10 से एंड देन 3 की मल्टीप्लाई 8 से, और इसके भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1+3। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 × 5 = 5, 3 × 1 = 3 एंड डिवाइड बाय 4, 1 × 10 = 10, 3 × 8 = 24 एंड डिवाइड बाय 4, 5+3 = 8 जिसके डिवाइड में 4 है, 10+24 = 34 इसके भी डिवाइड में 4 है। तो जब 4 से 8 को हम डिवाइड करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा 2 पर, और जब 4 से 34 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 पर। तो 2 को हम 2.0 और इसको 8.5 एज इट इज़ हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि जो चार ऑप्शंस हमें दिए गए थे उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इसका फोर्थ ऑप्शन है यानी कि 2.0, 8.5 यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है यानी कि अगर यहाँ पर आपको अपना टाइम सेव करना है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका वाई कोऑर्डिनेट सेम हो। सभी पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स आपको डिफरेंट दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना करके अगर आप केवल उसके y कोऑर्डिनेट्स को ही फाइंड आउट कर लेते हो तो वहाँ से भी आपको ये सही आंसर पता चल जाएगा।
जैसे कि हमें पता है कि हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए थे 1.8 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया था हमने 5.10 और हमें उनके बीच में किसी ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 1:3 में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 1 × 10 इज 10 एंड 3 × 8 इज 24। और जैसे कि हमें पता है कि उसको हमें डिवाइड करना होता है उन दोनों नंबर के सम से, जो रेशो में हमें दिया गया है 1:3, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 1+3 दैट इज 4, तो 10+24 इज 34 एंड 34 के डिवाइड में 4 है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 8.5। और आपको बस केवल यही देख लेना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 8.5 दिया गया है। तो ये है इसके ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ से आप जल्दी से बता सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वही इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद हमें बताना है इसके ई पार्ट में, इफ अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड एस देन। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं क्यू और एस, और साथ ही कहा गया है कि कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि सेम डिस्टेंट पर है। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन सही आंसर में आ जाएगी। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस पॉइंट को जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था एक्स कोमा वाई, उसको हमने अपनी तरफ से नाम दिया है यू, और बाकी के दो पॉइंट्स हैं क्यू एंड एस। एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो पॉइंट यू है वो क्यू से और एस से सेम डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स क्यू और यू के बीच की डिस्टेंस, एस और यू के बीच की डिस्टेंस ये हमें सेम दी गई है। तो Q एंड U के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, तो उसमें 9 - x² एंड देन 8 - y² और फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट। इसी तरह से 17 - x² एंड देन 8 - y². तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट है और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट है, तो यानी कि यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो टर्म्स इसके अंदर बचेंगी उनका हम स्क्वायर ओपन करेंगे आइडेंटिटी का यूज़ करके। जैसे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। सेम फॉर्मूला इसके लिए हम यूज़ करेंगे a² + b² - 2ab, देन इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो जब इनको इनके स्क्वायर को ओपन किया जाएगा 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद एक्स का स्क्वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -18x, अगेन यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, देन वाई स्क्वायर, और इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -16y। इसी तरह से 17 का स्क्वायर 289, देन एक्स का स्क्वायर, फिर इनका प्रोडक्ट -34, 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर, और इनका प्रोडक्ट -16y। तो अब आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में दोनों साइड्स में ही जो टर्म्स सेम हैं उनको आप एज इट इज कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे कि x² से x² कट जाएगा, उसके बाद 64 से 64, y² से y² और -16y से -16y, ये सभी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 81 - 18x, 289 एंड -34x। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम जो सभी टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं उनको एक ही साइड में लिख देंगे। जैसे 81 - 18x ये इधर आ जाएगा माइनस में और ये इधर आ जाएगा प्लस में, और राइट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ 0। तो -18x और +34x, प्लस वाला नंबर बड़ा है तो इनको सोल्व करके आ जाएगा 16x। फिर है 81 एंड -289, यहाँ पर माइनस वाला नंबर बड़ा है तो इसको सोल्व करके आ जाएगा -208। और इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 16 से, तो 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर आएगा केवल x,
और जब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो इस तरह से हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी है x-13=0। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर 2 है x-13=0, ये इसका सही आंसर होगा। तो अगर आप इसमें भी अपने टाइम को सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में ही आप ये देख सकते हो कि जो स्क्वेयर रूट के अंदर दोनों ही साइड में 8-y2, ये टर्म बिल्कुल सेम है, यानी कि आपको यहाँ पर इसके लिए a-b2 की आइडेंटिटी यूज़ करने की नीड ही नहीं है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अगर आप इसको यहीं पर एज इट इज़ कैंसिल आउट कर देते हो तो आपको केवल आइडेंटिटी यूज़ करना होगा 9-x2 के लिए और 17-x2 के लिए। तो यहाँ पर जब हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये तीन टर्म्स हमारे पास आएंगे, फिर जब हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो केवल ये तीन टर्म्स हमारे पास आएंगे। और इसमें भी आप देख सकते हो कि x2 से x2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर जो बाकी के टर्म्स बचेंगे उनको हम इस तरह से लिख देंगे, यानी कि बाकी जितने भी टर्म्स लिखी गई हैं जैसे कि ये और ये, तो इनको हमें लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पहले ही 8-y2 से 8-y2 को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 17 के टोटल 5 पार्ट दिए गए हैं a, b, c, d and e। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी आपको इसी तरह से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में 5-5 पार्ट दिए जाएंगे, बट इन 5 में से कोई भी 4 आपको सोल्व करने होंगे, यानी कि आपको 5 के 5 पार्ट सोल्व करने की नीड नहीं है, कोई भी 4 पार्ट्स ही आप इसमें से सोल्व करोगे। और इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये पूरा ही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 के सभी पार्ट्स को डिस्कस किया है। तो मैंने आपको ये सभी पार्ट्स a, b, c, d and e ये लॉन्ग मेथड से भी और इनके शॉर्ट मेथड से भी दोनों तरीके से ही करवा दिए हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम्स में आप इन क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हो, लॉन्ग मेथड से या फिर शॉर्ट मेथड से। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जितना कम से कम टाइम आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाओगे उतना ही ज़्यादा टाइम बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास बच जाएगा। तो शॉर्ट मेथड्स का यूज़ करके ही आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन आपको आंसर शीट में लिखकर नहीं दिखाना होता, आपको केवल उन 4 ऑप्शन में से ही किसी एक ऑप्शन को उसका सही आंसर बताना होता है। तो आप रफ में उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करिए और एकदम से उसका सही आंसर पता लगाइए कि उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 17। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं 18, 19 and 20 वो हम डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।